हाय गाइस, जय माता दी। तो आज मैं आपके लिए लाई स्पेशल अमृतसरी पनीर भुर्जी। ये काफ़ी टेस्टी और झटपट से बनने वाली है, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लगेगा प्याज, टमाटर, पनीर, पनीर 250 ग्राम लिया है मैंने, एक कटोरी दही लिया है, फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अदरक कद्दूकस किया हुआ, लाल मिर्ची पाउडर, धना पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, फ्रेश क्रीम, नमक, कस्तूरी मेथी, चाट मसाला, बेसन और धना हरा धनिया। तो अब हम दही में हल्दी डालेंगे, आधी आधी हम भुर्जी में डालेंगे ऊपर से। फिर हम लेंगे धना पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही में जो भी लम्स हैं वो निकल जाएं, और इन्हें सबको मिक्स भी कर लेंगे। तभी ये मिक्स हो चुका है, अब इसे हम रखेंगे साइड में और गैस करेंगे ऑन। अब ये गैस में ऑन करूंगी और इस पे कढ़ाई रख दूंगी गरम होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, यहाँ मैंने करीबन 2 से 2.5 चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल और इसे कर लेंगे मिक्स। आपके पास सरसों का तेल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। आपको सरसों का तेल पसंद है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी बेसन और बेसन को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करूंगी ताकि जो बेसन में लम्स हैं वो सब निकल जाए। अब आप देख सकते हैं बेसन हमारा अच्छे से भुंज गया है, इसमें से अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम डाल देंगे प्याज, यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिए थे, उसको लंबा लंबा बारीक कट किया हुआ है। और बेसन और प्याज को हम धीमी आंच पे अच्छे से भूंजेंगे। अब ये प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे बारीक कटी हुई, यहाँ मैंने 6 हरी मिर्ची ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ 2 इंच का अदरक लिया है मैंने, उसको कद्दूकस करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे इसी तरीके से मिक्स करते हुए हमें अच्छे से चलाना है, और इसमें हम चलाते चलाते आप देखेंगे थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, और बेसन भी हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से भुन चुका है, जो अब कढ़ाई में ये चिपक नहीं रहा है। इस तरीके से हमको ये चारों चीज़ अच्छे से भूननी है। और अब ऐड करना है इसमें हमें टमाटर। ये देखिए प्याज अच्छे से भुन चुकी है, अब इसमें हम बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। यहाँ मैंने बारीक चॉप किए हुए 4 टमाटर डाले हैं, और इन्हें भी अच्छे से भूजेंगे ताकि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे, जो हमने मसाला तैयार किया था दही के साथ सभी मसाले मिक्स करके, वो अब हमें इसमें ऐड करना है। तो अब आप देख सकते हैं टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो दही में सब मसाले डाले थे वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी काफ़ी अच्छी तरीके से हम भूनेंगे कि जो मसाला है हमारा वो भूंज कर तेल छोड़ दे साइड में कढ़ाई में। और ये 10 से 12 मिनट में हमारी अमृतसरी पनीर भुर्जी बनके रेडी हो जाती है। ये आप देखिए,
इसे हम भूजेंगे तो इसका कलर भी आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। अब इसमें हम जो हल्दी बचाई हुई थी हमने वो मिक्स कर देंगे, उसको अच्छे से हम भूज लेंगे। ये देखिए आप कितना मस्त कलर आया है। अब इसमें हम पनीर क्रश करके डाल देंगे हाथों से, इस तरीके से पनीर को मसलते हुए इसमें मिक्स कर देना है। यह मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और ये सब्जी पनीर अमृतसरी पनीर भुर्जी 6 लोग के लिए आराम से हो जाती है। ये देखिए अभी पनीर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसालों में, अच्छे से भूनना है। ये बेहद बेहद टेस्टी बनती है और इसे आप ब्रेड के साथ खाओगे काफ़ी टेस्टी लगती है। इस तरीके से अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं। अब ये आपको जो अमृतसरी हमारी पनीर भुर्जी है वो थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो इसमें हम डालेंगे पानी भी ऐड करेंगे। अब मैं कस्तूरी मेथी क्रश करके हाथ से डाल दे रही हूँ इसमें, तो पानी मैंने साइड में गरम करने रख दिया है और अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। इसमें पानी गरम करके ही आपको मिक्स करना है। मैंने 1 कप करीब पानी डाला है इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। तो गाइस आपको अमृतसरी पनीर भुर्जी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करना और मयूरी होम कुकिंग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। और अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए आपकी तैयार है अमृतसरी पनीर भुर्जी। अब इसमें हम ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे तो अमृतसरी पनीर भुर्जी में 4 चांद लग जाएंगे। तो अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारी प्लेटिंग हो चुकी है और इसको हमने प्लेटिंग करने के टाइम पे अच्छा ढेर सारा बटर डालना है ब्रेड को।